नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्रीटेक गुरुजी और मैं हूं आपका दोस्त सुरेश जाट। दोस्तों अभी फसल कटाई का सीजन आने वाला है, जिसमें गेहूं की फसल मुख्य रूप से हमारे हिंदुस्तान में लगाई जाती है। तो गेहूं काटना किसानों के लिए हमेशा ही मुसीबत भरा रहा, तो इसी काम को आसान पहले बनाता था रिपर, और अब उसी काम को और भी आसान बनाता है रिपर बाइंडर, जो कि गेहूं काटने के साथ उसके बंडल भी बनाता है। तो आपको वैसे तो रिपर बाइंडर बाज़ार में बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन मैं आज आपको शक्ति किसान रिपर कंपनी में लेके आया हूँ, जो कि हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी है। तो कैसे नंबर वन कंपनी है और कैसा है रिपर बाइंडर, इसके बारे में आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी आप चला रहे रिपर बाइंडर। धन्यवाद 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 सुरेश जी, आपके आपकी बदौलत ही हम नंबर वन बने हैं, आप लोगों की बदौलत नंबर वन बने हैं। तो सबसे पहले मैं रिपर बाइंडर के बारे में बात करना शुरू करूँ, उससे पहले इतनी सफलता के पीछे का क्या राज है वो बता दीजिए आप। ये है कि जी मैं खुद किसान हूँ, ठीक है, और मेरे बाप दादा खेती करते थे, ठीक है, और हमारी जो खेती में जो हमारे को ज़रूरत है, हमारी फसल कटाई की, बुआई की, और जो जो हमारे को ज़रूरत पड़ती है, हमने शुरू से देखा है भी कैसे खेतों में क्या औजार चाहिए, ठीक है, ये हमारे को ज़रूरत महसूस हुई। रीपर बाइंडर और भी बहुत सारे आ रहे थे कंपनियों के, लेकिन वो हमारे जो भारतीय फील्ड है उसके मुताबिक वो नहीं थे, ठीक है। तो हमारे इधर कैसा है कि हर किसान के पास ट्रैक्टर होता है, और मेरी सोच ये है कि सस्ता और टिकाऊ, मजबूत और जो लॉन्ग लाइफ चलने वाली चीज़ हो, तो मैं हमेशा उसी चीज़ पर ध्यान देता हूँ, और मैं काफ़ी इम्प्लीमेंट्स बनाता हूँ जो मार्केट से हटके है, ठीक है, अलग से चीज़ बनाना मेरी आदत है जी, क्योंकि मैं किसान हूँ, मेरे को मालूम है कि ये मशीन की ज़रूरत है मुझे। तो ये मशीन की क्या था, जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर 7 फुट के लगभग कटाई होती है, चौड़ाई होती है। आम जो रीपर बाइंडर मार्केट में थे वो 4 फुट से ऊपर नहीं थे, ठीक है, और फिर होता क्या है, ट्रैक्टर के एक साइड पर माल जाना चाहिए, और ट्रैक्टर को पूरे खेत में कहीं से भी हम लगाएं तो हर खेत की अलग अलग सिचुएशन होती है, ठीक है, किसी के रास्ता लेफ्ट साइड पे है, किसी के राइट साइड पे है। तो बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं मार्केट में आती थी, जैसे आपने पहले पीछे वाला रीपर देखा होगा जो साइड पे चलता था, ठीक है, तो उसके लिए 6-7 फुट कटाई हाथ से करनी पड़ती थी, बिल्कुल। तो किसान अगर जो छोटा किसान है जिसके पास आधा एकड़ गेहूँ कटवाना है, और वो अगर बोलेगा कि 7 फुट चारों तरफ से काट दो, तो फिर बाद में रिपर बाइंडर चलाने का कोई मतलब नहीं रहता, बचा ही कितना फिर। तो इसलिए हमने सबसे पहले फोकस ही हमारा ये था कि मज़दूर की ज़रूरत ना पड़े, ट्रैक्टर पे आदमी बैठे और खेत में जाए और किसी भी साइड से कटाई शुरू हो जाए। क्यों, देखिए आप खेत के अंदर पेड़ भी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पोल भी होते हैं, तो वो मशीनें थी तो उसके लिए उतनी जगह फिर वहाँ पर छोड़ देता था, उसको हाथ से काटना पड़ता था। हमारी मशीन जो है के यहाँ तक ये पूरा माल कट करेगा, ये जो बाइंडर का ये जो पार्ट है ये माल काट के इधर से लेके जाएगा, ये माल जो है इधर से काट के लेके, और बंडल जो है बंडल ये वाली साइड से बंडल बाहर फेंकेगा, और ट्रैक्टर का टायर यहाँ रह जाएगा, मतलब टायर से भी बाहर आएगा। हाँ जी हाँ जी, और यही साइड से आदमी ने ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ना होता है, उतरना होता है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारे को ये देख के मशीन बनाई हमने, ये बाइंडर तो हम पिछले 15 साल से बना रहे थे, ठीक है, रीपर जो है 15 साल से बना रहे थे, ठीक है, पिछले 5-6 साल से हम रीपर बाइंडर पे काम कर रहे थे। तो पहले हमने इसको सक्सेस किया, बनाया, अच्छी तरह से ट्रायल लिए, फिर पिछले 4 साल से हम अब मार्केट में दे रहे हैं, 4 साल से अभी मार्केट में दे रहे हैं जी, जी बिल्कुल। तो इस बाइंडर के बारे में ऐसी क्या खासियत, आप स्पेशल ऐसा क्या लगाते हैं जो दूसरे लगाते हैं वो सक्सेस नहीं हो पाता और आप लगाते हैं सक्सेस हो जाता है? ऐसा है सर, हमारी सारी चीज़ें अंदर बनती हैं, कोई भी ऐसा पार्ट्स नहीं है, मटेरियल देखते हैं हम, जैसे जो विदेशी जो मशीनें आती हैं जी, उनका क्या होता है, वो उनका जो लोग क्या करते हैं, उनका मटेरियल उठा के अपनी मशीन पे लगा देते हैं, ठीक है। उसमें ये होता है सर कि वो मशीनें बनी हुई हैं 4 फुट के लिए, और हमारी मशीन है 7.5 फुट की, ठीक है। तो आप ये देखिए कि 4 फुट वाली जो पार्ट्स बने हुए हैं 4 फुट के लिए, उस पर अगर आप 7 फुट का लोड डालोगे तो वो तो नहीं चल पाएगा। ये चीज़ें अंदर की बातें हैं, इसका जो मटेरियल हर चीज़ A to Z चेक होती है, अच्छी तरह से अच्छा मटेरियल लगा के अच्छी टीम से बनवाते हैं जी। जो लोग बनाने जहाँ से मटेरियल भी बनता है, लैब में टेस्ट होना,
उसके स्कैन होना, सब चीज़ें ए टू जेड होके और एक एक मशीन चेक होके जाती है, पूरी ट्रायल के साथ जाती है। बिल्कुल 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 सर, जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे। अभी हमारी मशीन में ये देखिए कि आम मशीनों में यहाँ पे बुश होते हैं, हमने यहाँ पे भी बेयरिंग डाले हुए हैं, ठीक है, क्योंकि अगर किसान क्या होता है ग्रीस वगैरह का ध्यान नहीं रख पाता, क्योंकि देखिए मशीन किसान लेके गया, फिर आगे उसने ड्राइवर ने चलाना है, अब उसने ड्राइवर को बोल दिया कि इसको ग्रीस करना है, वो नहीं ध्यान देगा। अगर इसके अंदर बेयरिंग लगे हुए हैं और ग्रीस ज़्यादा बैठेगा तो सुबह से लेकर शाम तक इसको देखने की ज़रूरत नहीं है जी। मशीन के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ जानकारी दी, अगर मटेरियल की बात की जाए तो काफ़ी हेवी मटेरियल के साथ आप मशीन दे रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कि जब खेत में बाइंडर चलता है चलते चलते अचानक घाट मारना छोड़ देता है, उसका क्या कारण है? उसमें ऐसा होता है सर, जैसे ये जो मशीन है इसके अंदर नॉटर लगा हुआ है, ठीक है, अगर रस्सी के अंदर कहीं गांठ आ गई, रस्सी कहीं से पतली या जाड़ी आ गई, ठीक है, उस वजह से भी ये हो जाएगा। कई बार जो फसल का कोई तिनका है, ठीक है, वो अंदर आ गया, वो गांठ के साथ उलझ गया तो भी ये गांठ छोड़ देगा। ये चीज़ें नॉर्मल हैं, इसको है। इसको हमें साफ़ रखना पड़ता है, ठीक है, ये जो नॉटर है इसकी सफाई करनी पड़ती है, ये ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो इसे हमारे को रोक के इसको साफ़ करना पड़ेगा, जैसे कोई रस्सी वगैरह है या कोई दूसरा कुछ चीज़ आ गई है वो साफ़ करनी पड़ेगी। और ये जो रॉप कटर होता है इसकी भी धार लगानी, धार अगर ख़राब हो गई, मतलब चल के इसकी धार अगर ख़राब होगी तो ये धार इसका ब्लेड का साइड चेंज करना पड़ता है, ठीक है, या स्प्रिंग का दबाव कभी कम है थोड़ा दबाव देना पड़ता है। ये जो जैसे हमारे घर पे सिलाई मशीन होती है, बिल्कुल बिल्कुल, सिलाई मशीन को भी हमारे को उसके अंदर धागा अंदर अगर शटल के अंदर फंस गया तो उसको खोल के लेडीज साफ़ कर लेती हैं, ठीक है, और फिर वो मशीन चल पड़ती है। वही टाइप सेम चीज़ है, नॉटर सेम ही है, उसी टाइप की मशीन है, इसने भी गांठ मारनी है, एक शोर धागे का पकड़ के उसी से गांठ मारनी है। कटाई करते वक्त इसके अंदर कोई अगर कोई गेहूँ की फसल इधर से ऊपर से नीचे गिर गया, मतलब फसल कट के आ रही है ऊपर से कुछ अंदर गिर गया, तो वो उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है, बाकी कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं है। किसान जो है, किसान को इसके बारे में डीलर से लेने से पहले अच्छी तरह जिस बंदे ने इसको चलाना है वो बंदा नॉटर के बारे में अच्छी तरह से समझे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि बहुत से किसान भी मैंने देखा है वो सुबह से शाम चल रही, चार दिन से खेत में चल रही, कभी सफाई का तो आप आज बता रहे हो, मैं आज देख रहा हूँ भाई, तीन चार साल से मैं रिपर बाइंडर देख रहा हूँ, किसी ने ये बात नहीं बताई। ये चीज़ें ऐसा है सर, ये फील्ड में जाके पता लगता है क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। लोग बेचने वाले बहुत सारे हैं, बनाने वाले बहुत सारे हैं। हमारी मशीन को मैं बड़ी कंपनियों का नाम नहीं लूँगा, हिंदुस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने हमारी मशीन उठा के आज अपनी फैक्ट्री में नहीं रखी हुई। सब हमारी कॉपी कर रहे हैं, बड़े बड़े नामची जो वर्ल्ड फेमस कंपनियां हैं आज आने वाले टाइम में उनके भी मॉडल आने वाले हैं, आपसे भी वो आपके गुरुजी चैनल पे बनवाएंगे, अपना वीडियो बनवाएंगे, आप देखोगे यही मॉडल आने वाला है। ये जो कंसेप्ट है मशीन का ये हमारा है, ये हमने बनाया, ये डिज़ाइन हमारा है, ठीक है। इससे पहले आप किसी कंपनी का भी ये डिज़ाइन नहीं था, आज की डेट में सारी कंपनियां हमें कॉपी कर रही हैं। हाँ, लगभग ये डिज़ाइन सारी जगह मिल रहा है। हाँ, ये लोग कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे दो स्टेप आगे हैं, ठीक है। आज की डेट में अगर आप देखोगे मशीन के अंदर ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये जो फॉर्क है, ये पहले इसकी हाइट ज़्यादा थी तो ये फंसी, जो कम हाइट की फसल थी उसकी बाल पर लगता था जाके, इसकी हाइट कम की है इस साल हमने, ठीक है जी। और जो ये स्टार्स हैं, ये स्टार्स सारे सीधे स्टार आते थे, जो जैसे गिल्ली फसल आ जाती है या छोटी फसल आ जाती है उसमें हमारे को समस्या आती थी, तो ये डिज़ाइन हमने कर दिया। अभी आने वाले टाइम में लोग कॉपी करने वाले लोग हैं वो कॉपी करेंगे। आज की तारीख में हमारा डिज़ाइन ये नया डिज़ाइन जो आ रहा है 2021-22 का जो मॉडल है ये हमारा ये वाला जी। और कुछ ऐसी समस्या नहीं है, इस मशीन में बहुत सुधार किए हमने पिछले साल से, इस मशीन में लगभग काफ़ी ज़्यादा सुधार किया है। मैं पिछले साल भी मैंने देखी उसमें, हाँ, तो उससे तो काफ़ी बदलाव लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, और अपेक्षा यही रहती है कि हमेशा हर साल यही ध्यान रहता है कि और मशीन अच्छी की जाए जी, किसान को और सहूलत दी जाए। सर, आजकल नकल का ज़माना है, मिलते जुलते ब्रांड आपके बाज़ार में बहुत घूम रहे हैं, तो शक्ति किसान को कैसे पहचाने? ऐसा है सर, ये हमने ये देखिए, आप नज़दीक से देखिए, हमने इसके अंदर इम्बोज किया हुआ है शीट के अंदर, ठीक है, शक्ति किसान, ये पार्ट पे जी एग्रो, ये देखिए हर जगह पे हमने इम्पोज किया हुआ है, हमारे हर पार्ट पे शक्ति किसान का मार्का है, ठीक है, ये हमारा गुरु एग्रो इंडस्ट्रीज़ का मार्क किया हुआ है, ये ओरिजिनल की यही पहचान है। बहुत सारे लोग हैं
जैसे ही हम स्टिकर लगाते थे, ये स्टिकर था, तो लोग क्या करते हैं, इसको उखाड़ा और अपना स्टिकर लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी नाम लगा देते हैं लोग, तो उसमें बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमने ये हमारा मार्का है शक्ति किसान का, इसी ब्रांड से हम मशीन देते हैं और यही हमारी ओरिजिनल मशीन है जी। और बाकी कोई ऐसी समस्या नहीं है, किसान ले खुले दिल से, पर ले भाई जो इसको चलाना चाहे बिल्कुल, और जिसे जानकारी हो बिल्कुल। महंगी मशीन है, रख रखाव जरूरी है मशीन का, आप कोई भी मशीन लोगे तो उसका रख रखाव जरूरी है, आपको चलाना आना चाहिए। और नहीं आ रहा, आप पहले नए हो बिल्कुल मशीन के बारे में, तो डीलर से अच्छी तरह से जानकारी ले मशीन की, जब मशीन ले रहे हो आप तो उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी लेनी चाहिए। और बाकी हम तो हाजिर हैं, कभी भी आप हमारे को फ़ोन कीजिए, कोई दिक्कत आती है तो हमारे से बात कीजिए। जैसे गीली फसल के बारे में बात कर रहे थे, तो कितनी गीली फसल काट सकती है? हमने इससे धान काटा है, आपको मैं वीडियो दे देता हूँ, वीडियो में अटैच कर देना जी। हमने बासमती धान काटा है इससे, काफ़ी हाइट का, लगभग 4.5 फुट हाइट का फसल काटी है, कोई समस्या नहीं है। गांठ बराबर मार रही हो? बिल्कुल बिल्कुल, कटिंग भी बराबर हो रही है? कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं, 1% भी समस्या नहीं है। चीन के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ डिटेल से सारी जानकारी दे दी, अगर क्वालिटी और मजबूती की बात की जाए तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ मजबूती में इसका कोई जवाब नहीं है, और लेटेस्ट मॉडल पे और लेटेस्ट डिज़ाइन के साथ आप इसको दे रहे हैं। अब अगर जो किसान भाई वीडियो देख रहे हैं वो अगर आपसे मशीन लेना चाहें, संपर्क करना चाहें, तो कैसे आप उनको उपलब्ध करवाएंगे? ऐसा है जी, लगभग हमारे हर जगह डीलर हैं, और आपके जो डीलर का हमारे पास नंबर आपको मिल जाएगा, आप हमारे नंबर पे बात कीजिए, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में, लगभग तो आपके हर जगह, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हर जगह हमारे डीलर हैं, राजस्थान में हर जगह डीलर हैं। और अगर कहीं पे आपके एरिया में आपको नहीं समझ में आ रहा, डीलर का कुछ मालूम नहीं पड़ रहा, तो आप हमारे नंबर पे संपर्क कीजिए, हम आपको नज़दीक जो आपका एरिया है वहाँ से आपको मशीन दिलवा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो डीलर होने से सबसे बड़ा फ़ायदा भी ये है कि उनको ज़्यादा दूर भी नहीं आना पड़ेगा, और सर्विस ज़रूरी है सर, ये जो प्रोडक्ट है ये सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट है बिल्कुल, इसमें जानकारी बहुत ज़रूरी है। एक साल जिस किसान ने ये मशीन चला ली, अगले साल वो मिस्त्री बन जाता है। मतलब एक सीज़न तो उसको दिक्कत आने वाली है, फिर वो पूरा हल्के में मशीन चलवा देगा, क्योंकि उसको सब जानकारी आ जाती है ना सर बिल्कुल, कि यहाँ पे तिनका फंस रहा है, ये क्यों फंस रहा है, ये एक वायर लगा हुआ है अंदर, ये अगर वायर टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो यहाँ पे माल रुक जाएगा। तो उसको जब चला लेता है, वो उसको परेशानी आती है, वो हमारे से बात करता है, हम उसको समझाते हैं भैया ये चीज़ देख लो, ये हमारा सर्विस वाला बंदा बताता है ये चीज़ देख लो, तो वो सॉल्व हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। और फिर उसको देखने की 2-4 दिन में, वो जैसे 2-4 एकड़ 10 एकड़ काट लिया, उसके बाद उसको पूरा आइडिया आ जाता है कि मशीन में कोई समस्या नहीं जी। दोस्तों अगर आपको भी रिपर बाइंडर की ज़रूरत है तो सर ने नंबर दे रखे हैं, उनसे बात कीजिए, आपके संबंधित एरिया के डीलर के नंबर आपको मिल जाएंगे, वहाँ जाके आप इस मशीन को देख के परख के फिर आराम से आप किसे खरीद सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आएँ तो ऐसी वीडियो हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।